दोस्तों आपको पता ही होगा, हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से मंगलवार के दिन की जाती है। राम भक्त हनुमान और तुलसी पत्र से जुड़े एक कथा प्रचलित है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हनुमान जी के प्रसाद में तुलसी क्यों चढ़ाई जाती है। बस बने रहिए वीडियो पर, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी देंगे आपको। चलते हैं दोस्तों वीडियो पर। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों पूजा पाठ में प्रसाद चढ़ाने का विशेष विधान बताया गया है। सभी देवी देवताओं को अलग अलग तरह के भोग पसंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के प्रसाद में विशेष रूप से तुलसी पत्र क्यों चढ़ाई जाती है? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी माता सीता से मिलने वाल्मीकि जी के आश्रम जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा भूख भी लगी होती है। तब माता सीता अपने दुलारे हनुमान जी को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाती हैं। माता सीता कई प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाकर हनुमान जी को खिलाना शुरू करती हैं, लेकिन खाना बनाते बनाते आश्रम का सारा अन्न धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, मगर फिर भी हनुमान जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं लेती। तब माता सीता सोच में पड़ जाती हैं कि वो ऐसा क्या बनाकर खिलाएं कि हनुमान जी का पेट भर जाए और भूख भी शांत हो सके। तब उन्हें भगवान श्री राम जी की सुनाई हुई एक बात याद आती है। भगवान श्री राम जी ने माता सीता से कहा था कि जब भी कभी हनुमान जी का पेट भरना हो तो उनको तुलसी का एक पत्र दे देना, इससे उनकी भूख शांत हो जाएगी। तब माता सीता ने ऐसा ही किया। जैसे ही हनुमान जी ने तुलसी का पत्र खाया, उनकी भूख शांत हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि इसी कथा के बाद से ही हनुमान जी के प्रसाद में तुलसी का पत्र अर्पित किया जाने लगा। दोस्तों हनुमान जी को तुलसी का पत्र इसलिए भी प्रिय है क्योंकि यह भगवान विष्णु को बेहद पसंद है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के हर अवतार और रूप में तुलसी पत्र चढ़ाई जाती है और हनुमान जी भगवान विष्णु के राम अवतार के परम भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी तुलसी पत्र चढ़ाने से बेहद प्रसन्न होते हैं। क्या आप भी हनुमान जी के प्रसाद में तुलसी पत्र चढ़ाते हैं? तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पर। आप सबका धन्यवाद।